क्या चीज है तू, क्या चीज है तू भाई। आज के ब्लॉग में तुम्हारा भाई तुम्हें सिखाएगा पिज्जा बनाना, वो भी मेरे स्टाइल में, क्योंकि मैंने देखा है आजकल की जो वीडियोस हैं सबसे ज्यादा भाई कुकिंग शुकिंग वाले की चल रही है, जो थोड़ा अजीब तरीके से बोलता है, बट द थिंग इज उसकी डिशेस काफी अच्छी है। ये मेरी खुद की रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो भैया जितना हो सकता है शेयर करना दोस्तों के साथ और खुद खा के मुझे बताना कि कैसी लगी। किचन में लेके चलता हूँ, ऑलरेडी आधा काम तो हो ही चुका होगा। आई एम इन द किचन एंड मुझे जो पर्सनली ये ग्रिल है, इसके ऊपर जाएगा अपना पिज्जा। पिज्जा जी जाओ जी, आराम से गिरना नहीं, गिरना नहीं, गिरना नहीं, गिरना नहीं, गिरना नहीं। दैट इज माय बॉय ब्रो, इट लुक्स सो सेक्सी, सो बढ़िया। एंड नाउ हम इसको करेंगे बंद।
सेट करेंगे टाइमर अराउंड 12 मिनट का एंड इसको छोड़ देंगे हम। अब जो भी होगा जैसा भी होगा आपको निकाल के दिखाता हूँ, बहुत टेस्टी होगा। इट्स डन। वैसे खाना दिखने में तो अच्छा होना चाहिए, साथ साथ टेस्ट में भी अच्छा होना चाहिए। टेस्ट करके बता दो कैसा है। ओ भाई, डोमिनोज का एक आता है पेपी पनीर, उसके जितना अच्छा तो नहीं है, क्लोज, बहुत ज़्यादा क्लोज है। आपको कैसे लगा? वेरी यम्मी, बस बहुत अच्छा है, घर का बिल्कुल हाइजीनिक और टेस्टी। बादल साहब, इंस्टाग्राम स्टोरीज मैंने बताया था कि आज मैंने खुद अपना एसी सर्विस किया है एंड फॉर्चुनेटली इसकी जो भी गैस थी वो इसके अंदर इंटैक्ट है। यूजुअली एक साल में जो होती है गैस खराब हो जाती है हमारे यहाँ पे बिकॉज ऑफ सम यू नो ड्रास्टिक रीजन, मुझे नहीं पता, बट आई थिंक इज बहुत ज़्यादा मज़ा आया। पिज्ज़ा वॉज टेस्टी एंड यू नो आजकल जो शेड्यूल है ना बहुत ज़्यादा फक्ड अप है, बहुत ज़्यादा खराब हो रखा है। मैं इतनी लेट सोता हूँ, इतनी लेट उठता हूँ, क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी आज की स्पीच के बाद लॉकडाउन बढ़ चुका है 3 मई तक, तो आई होप आप सब अभी भी सेन होगे, आराम से अपनी ज़िंदगी काट रहे होगे, दीवारों में सर मत फोड़ लेना और ना कूद जाना अपनी बालकनी से, वो भी सेफ नहीं है। और कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो भाई lakshay_thakur मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ पर मुझसे अपनी पर्सनल बातें करनी है पर्सनल बातें करो, मैं बातें करना चाहता हूँ तुम लोगों से क्योंकि इस टाइम पर यही टाइम है जिनमें मैं तुमसे बातें कर पाऊँगा। क्वेरीज एक हटकर बात होती है, क्वेरीज हम लोग सॉल्व करते रहते हैं, मैं सॉल्व करता रहता हूँ अपने चैनल पर जितना हो सकता है कॉमेंट्स पढ़ के, बट एक पर्सनल लेवल पर बातचीत होना अलग बात है, तो अगर चाहते हो आ जाओ वहाँ पे। और यही था आज का ब्लॉग, अभी मेरे पास कुछ है नहीं बनाने को, मैं इसको एडिट करने बैठता हूँ फिलहाल और एक और स्क्रिप्ट सोचनी है मुझे जो मेन चैनल पे जाने वाली है। आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल द नेक्स्ट टाइम स्टे सेक्सी स्टे स्टाइलिश, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।